बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं और अभी बोर्ड्स के एग्जाम शुरू होने हैं और बच्चे लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा पेरेंट्स स्ट्रेस में हैं कि बच्चे क्या करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं उन्हें कॉन्फिडेंस गेन करने में, पॉजिटिवली पढ़ाई करके एग्जाम देने में, सो दैट वो एक्सेल कर सके। इस वीडियो में मैं एक्चुअली वाटर चार्जिंग टेक्निक बताऊंगा कि कैसे एक बोतल पानी चार्ज करके उसे पीकर बच्चे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव बना सकते हैं, कंसंट्रेशन फोकस बढ़ा सकते हैं और मेमोरी को और ज़्यादा एनहैंस कर सकते हैं, इतना कि वो एग्जाम के टाइम सब कुछ कॉन्फिडेंटली रिकॉल कर सके। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये हर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे एक्सेल करें। आज मैं इस वीडियो में वाटर चार्जिंग टेक्निक बताऊंगा, जो मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था कि आप कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन से कुछ अच्छे संकल्प करके एक गिलास पानी लेकर उसे चार्ज कर सकते हैं। मैं एक गिलास पानी में दिखाऊंगा, आप चाहें तो एक पूरी बोतल भी चार्ज कर सकते हैं, जिसे दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पिया जा सकता है। होगा क्या इस पानी को चार्ज करने से, वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, सो दैट बच्चे भी समझ जाए और पेरेंट्स को भी साइंस पता चले। मेनली पानी में एक गुण होता है कि वो हमारे थॉट्स और इमोशन के जो वाइब्रेशन होता है उसे वो एब्जॉर्ब या फिर सोख लेता है। और जब वो पानी के अंदर ये जो वाइब्रेशन है, जो भी आप सोच रहे हो, भाव कर रहे हो, वो अंदर गया है, तो उस पानी में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और उस पानी को जब आप पीते हैं तो आपके बॉडी का 70% पानी पूरी तरह से चार्ज होता है। इन टर्न वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और आपका जो ऑरा या आभामंडल है उसमें पॉजिटिव एनर्जी भर देता है, जो आपको लगातार पॉजिटिविटी देता है और जो भी आपने संकल्प किया है वो मैनिफेस्ट होने के लिए ब्रॉडकास्ट हो जाता है यूनिवर्स में। और फिर यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो सारी चीजें जो आपने संकल्प किया या अफर्मेशन बोली उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या फिर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लेकिन इसमें सिंपल सा एक टूल है जिसे हम पानी या वाटर बोलते हैं। इसे हम इस्तेमाल करेंगे, चार्ज करेंगे, पिएंगे और फिर अपनी जो भी कर्म है, अपना जो भी काम है उसे अच्छे से करेंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन घबराएंगे नहीं, टोटली स्ट्रेस फ्री होकर हम पूरा अपना 100% देंगे और फिर देखना आपको रिजल्ट कितने अच्छे मिलते हैं। इस पर्टिकुलर टेक्निक में डिस्क्लेमर यही है कि ये उन बच्चों को ही काम आएगा जिन बच्चों ने साल भर मेहनत किया हुआ है, क्लासेस की हुई है, नोट्स बनाए हैं, पढ़ाई की है, हर तरीके से पूरी तैयारी की है। हाँ, अभी थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा होगा, थोड़ी सी लो कॉन्फिडेंस में हो गए, कई बार वो घबरा रहे होंगे, नो प्रॉब्लम। अब उसी चीज को ठीक करने के लिए हम एक गिलास पानी लेंगे और उसे चार्ज करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं पानी चार्ज करने के लिए? जो भी मुझे देख रहे हैं बच्चे, अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, एग्जाम पास करनी है अच्छे से कॉन्फिडेंटली, तो एक गिलास पानी लेके आइए। मैं थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए। ओके, सो आप पानी लेके आ चुके हैं। अब हमारे पास ये पानी का ग्लास है, इसे आप आराम से अपने पास रखें। ओके, मेरे साथ साथ जो भी मैं अफर्मेशन बोलूंगा उस अफर्मेशन को आप भी मनी मन रिपीट करें और बाद में आप इस वीडियो को रिपीट करके इसे वापस कर सकते हैं, या फिर जो भी अफर्मेशन मैं बोल रहा हूँ उसे नोट डाउन कर सकते हैं। चाहे तो वो अफर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग इस पानी को चार्ज करेंगे और जब आप इसे दिन भर पिएंगे तो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब हमने ये पानी सामने ले लिया है, आप चाहे तो टेबल पर रख लीजिए और आराम से बैठे, हल्का सा हम दोनों हाथों को ऐसे करके रख लेंगे, आराम से पानी को टच करेंगे और आराम से बैठेंगे। सिर्फ हमें कुछ माइंड में सोचना है, संकल्प करना है, अफर्मेशंस बोलने हैं। सो ये वाटर चार्जिंग हम दो भाषाओं में करेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। अब आप आराम से बैठ जाइए और लंबी गहरी सांस लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधा कर लेंगे, ठीक है? और हम आराम से आंख बंद करके 3 बार लंबी गहरी सांस लेना है, ठीक है? डीप ब्रीदिंग, आंख बंद कीजिए, चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेके आए, छोटी सी मधुर सी स्माइल, एंड देन टेक 3 डीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट।
breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. अब आप आराम से बैठकर उन सारे अफर्मेशंस को मेरे साथ साथ दोहराएंगे। मेरी एकाग्रता और याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरी एकाग्रता और याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरी एकाग्रता और याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं पढ़ाई का आनंद लेना सीख रहा हूँ। मैं पढ़ाई का आनंद लेना सीख रहा हूँ। मैं पढ़ाई का आनंद लेना सीख रहा हूँ। मैं तनावपूर्ण स्थितियों में भी तनाव मुक्त रहता हूँ। मैं तनावपूर्ण स्थितियों में भी तनाव मुक्त रहता हूँ। मैं तनावपूर्ण स्थितियों में भी तनाव मुक्त रहता हूँ। अच्छे ग्रेड पाना मेरे लिए स्वाभाविक है। अच्छे ग्रेड पाना मेरे लिए स्वाभाविक है। अच्छे ग्रेड पाना मेरे लिए स्वाभाविक है। मैं अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ। मैं अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ। मैं अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ। परीक्षा के दौरान मैं हमेशा तनाव मुक्त रहता हूँ और मुझे सब याद आ जाता है जो मैंने पढ़ा है। परीक्षा के दौरान मैं हमेशा तनाव मुक्त रहता हूँ और मुझे सब याद आ जाता है जो मैंने पढ़ा है। परीक्षा के दौरान मैं हमेशा तनाव मुक्त रहता हूँ, मुझे सब याद आ जाता है जो मैंने पढ़ा है। मैं इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी है। मैं इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी है। मैं इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी है। मैं एक उत्कृष्ट विद्यार्थी हूँ। मैं एक उत्कृष्ट विद्यार्थी हूँ। मैं एक उत्कृष्ट विद्यार्थी हूँ। मैं हमेशा परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता हूँ। मैं हमेशा परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता हूँ। मैं हमेशा परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैंने इस परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। मुझे विश्वास है कि मैंने इस परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। मुझे विश्वास है कि मैंने इस परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। माई कॉन्सेंट्रेशन फोकस एंड मेमोरी आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। माई कॉन्सेंट्रेशन फोकस एंड मेमोरी आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। माई कॉन्सेंट्रेशन फोकस एंड मेमोरी आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। आई एम लर्निंग टू एंजॉय स्टडिंग। I am learning to enjoy studying. I am learning to enjoy studying. I am relaxed even in stressful situations. I am relaxed even in stressful situations. I am relaxed even in stressful situations. Getting good grades is natural to me. Getting good grades is natural to me. Getting good grades is natural to me. I am giving my best to clear my exams. I am giving my best to clear my exams. I am giving my best to clear my exams. I am always relaxed during exams. I am always relaxed during exams. I am always relaxed during exams. During exams, I am able to recall all that I have studied. During exams, I am able to recall all that I have studied. During exams, I am able to recall all that I have studied. I am doing well in this exam as I am well prepared. I am doing well in this exam as I am well prepared. I am doing well in this exam as I am well prepared. I am an excellent student. I am an excellent student. I am an excellent student. I always pass exams with flying colors. I always pass exams with flying colors. I always pass exams with flying colors. I am confident that I have studied very well for this exam. I am confident that I have studied very well for this exam. I am confident that I will pass my exam with flying colors. I am confident that I will pass this exams with flying colors. I am confident that I will pass this exam with flying colors. Every day in every way, my confidence is getting better and better. Every day in every way, my confidence is getting better and better. Every day in every way, my confidence is getting better and better. Thank you, thank you,
थैंक यू। सो आपने अब पानी चार्ज कर लिया है, इस पानी को चाहे तो आप पूरी तरह से पी सकते हैं, या फिर आपने अगर बोतल चार्ज किया है तो आप उसे दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। इससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव बनेगी, माइंड आपका शार्प रहेगा, आपको अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और ऑफकोर्स आपने जो मेहनत की है उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड आई बिलीव कि आप बहुत अच्छा करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।